मोज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। मोज़ सामीन, सूरज या चांद ग्रहण क्यों होता है, इसके मुख्तलिफ असबाब जिक्र किए जाते हैं। साइंसी एतबार से कहा जाए कि जमीन के गिर्द चांद गर्दश करता है और चांद जमीन की तरह तारीख है और वो सूरज से रोशनी हासिल करता है। जब वो सूरज के गिर्द गर्दश करते हुए सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है तो सूरज की रोशनी जमीन पर पहुँचने से रुक जाती है, जिससे सूरज ग्रहण वाकया होता है। और जब जमीन दरमियान में आ जाती है तो इस चांद पर रोशनी नहीं पड़ने देती तो चांद ग्रहण वाकया होता है। जमाना जाहिलियत में समझा जाता था कि किसी शख्स की मौत या किसी बड़े हादसे पर सूरज या चांद को ग्रहण लगता है। बरसगीर में लोगों का ख्याल था कि इस मौका पर हामला औरतें छुरी वगैरह इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सूरज या चांद के ग्रहण होने की वजह से इनके पेट में मौजूद बच्चे का होंठ वगैरह कट जाता है। हालांकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये ना शरीय एतबार से और ना ही साइंस के एतबार से, ये सिर्फ लोगों का वहम और गुमान है और जाहिलाना बात है। 21 जून 2020 यानी कल बरोज़ एतवार पाकिस्तान में हल्का नमा सूरज ग्रहण लगने जा रहा है। 21 जून 2020 को होने वाला सूरज ग्रहण हल्का नमा सूरज ग्रहण होगा, क्योंकि चांद का जमीन से इस वक्त फासला तकरीबन 3,90,000 किलोमीटर है, जिसका मतलब ये है कि चांद का कोनी कतर आसमान में सूरज की कोनी कतर से कम होगा। इस ग्रहण का पाकिस्तान में मकीम फल्कियाती शिदाहों को बेहद इंतजार है, क्योंकि 1995 और 1999 के मुकम्मल सूरज ग्रहण के बाद पाकिस्तान में 2020 में पहली दफा हल्का नमा सूरज ग्रहण देखा जाएगा। इस बार का हल्का नमा सूरज ग्रहण पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक 21 जून 2020 को सुबह 8:45 पर शुरू होगा और 9:47 पर चांद सूरज को ढांपना शुरू हो जाएगा। 11:40 पर ग्रहण का अरूज होगा, यानी सूरज हल्के की शक्ल अख्तियार कर लेगा और फिर दोपहर 1:32 पर सूरज मुकम्मल तौर पर नमूदार हो जाएगा, जबकि ग्रहण का अहतमाम 2:34 पर होगा। ग्वादर और सखर तक के मुख्तलिफ इलाकों में सूरज के गिर्द रोशनी का हालिया देखा जा सकेगा, जबकि कराची में 90% तक रंग फायर नजर आने का इम्कान है। माहरीन फल्कियात के मुताबिक सूरज और चांद के दरमियान जमीन आ जाए तो चांद को ग्रहण लगता है। माहरीन फल्कियात के मुताबिक चांद ग्रहण का नजारा पाकिस्तान समेत यूरोप एशिया के ज्यादातर हिस्सों में ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका जनूबी अमेरिका समेत दीगर ममालिक में किया जा सकेगा। चांद ग्रहण के दौरान चांद सुरख नजर आता है, क्योंकि सूरज की रोशनी इस वक्त बराह रास्त इस पर नहीं पड़ती, जब जमीन पर चांद और सूरज के बीच में से गुजर रही होती है। तो मौजूद सामने ग्रामी, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल बटन को दबा लें, ताकि हर आने वाली वीडियो को आप देख सकें।